हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 4 के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन विद मोर देन वन अरिथमेटिक साइन। यानी आपको आज मैं एक ऐसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दूंगा, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा साइन होंगे, ठीक है, और उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए इसके बारे में मैं आज आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब आपके मन में समझ में आपके मन में प्रश्न हो रहा है, सर ये अरिथमेटिक साइन क्या होता है? तो बेटा, जो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये साइन यूज करते हो, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हो सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इन्हीं को हम अरिथमेटिक साइन कहते हैं, ठीक है। जब आप नंबरों पर ये इस्तेमाल करते हो तो ये क्या बन जाता है? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बन जाता है, ठीक है। तो इन्हीं अर्थ में अभी तक आप लोगों ने क्या सीखा था? आपको मैंने बोला 4 × 3 करो तो आप बता देते थे 12, या मैं कहूँ 4 × 2 × 2 करो तो आप बता देते थे 16। अब मैं आपसे कहता था इसको ऐड करो तो आप कह देते थे 11। तो अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? सब एक जैसे ही साइन है। क्या है? एक जैसे ही साइन है, ठीक है, सब में प्लस है, सब में मल्टीप्लाई है, तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल अगर ऐसा हो तब आप क्या करेंगे? अब यहां पर प्लस भी है, यहां पर माइनस भी है, तो जब एक से ज्यादा अर्थमेटिक साइन हो, यहां देखो दो अर्थमेटिक साइन है, एक डिवाइड का है और एक प्लस का है। क्या है? एक डिवाइड का साइन है और एक प्लस का साइन है। तो जब एक से ज्यादा अर्थमेटिक साइन होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी को हम आज सीखेंगे, ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको एक से ज्यादा अर्थमेटिक साइन दिखाई दे तो आप हमेशा एक रूल को फॉलो करना। क्या रूल फॉलो करना? वो रूल है कि जब भी आपको एक से ज्यादा अर्थमेटिक साइन दिखे तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करोगे? डिवाइड को। किसको सॉल्व करोगे? डिवाइड को। उसके बाद किसको साइन सॉल्व करोगे? उसके बाद आप मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे। उसके बाद आप किसको सॉल्व करोगे? प्लस को। और सबसे आखिर में आपको माइनस का साइन दिखेगा, ठीक है। अगर आपको प्लस मल्टीप्लाई दिखा, सॉरी डिवाइड मल्टीप्लाई दिखा, तो केवल पहले डिवाइड सॉल्व करो फिर मल्टीप्लाई। तो आपको डिवाइड प्लस दिखाई दिया तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करो, बाद में प्लस सॉल्व करो। अगर आपको मल्टीप्लाई माइनस दिखा तो आप पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो फिर माइनस सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हम किसी ऐसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं जिसमें मोर देन वन साइन होता है, तो उस कंडीशन में हम किसको इस्तेमाल करते हैं? इस साइन प्रेफरेंस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बॉड मास भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले डिवाइड को प्रेफरेंस देते हैं, सेकेंड प्रेफरेंस हम लोग मल्टीप्लाई को देते हैं, थर्ड प्रेफरेंस हम लोग ऐड को देते हैं, और एंड में सबसे एंड में हम लोग सब्ट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये जो मोर देन वन अर्थमेटिकल साइन वाले एलजेब्रिक अर्थमेटिक साइन वाले जो एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अब हम इसको एग्जांपल के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया 25 / 5 × 2 + 5 − 1, ठीक है, मैंने एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिया 25 / 5 × 2 + 5 − 1। तो जैसे ही मेरे सामने ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आया, मेरे दिमाग की जो घंटी है ना वो बजी। कैसे बजी? मैंने कहा कि इसमें तो डिवाइड भी है, इसमें तो मल्टीप्लाई भी है, इसमें तो प्लस भी है और इसमें माइनस भी है, अब मैं क्या करूं? तो मुझे अपने सर की बात याद आई कि सर ने मुझे बताया था कि जब मोर देन वन साइन हो, यानी एक से ज्यादा साइन हो एक अलग अलग टाइप के, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? साइन प्रेफरेंस मेथड को यूज करते हैं, जिसको हम बॉड मास कहते हैं, ठीक है। बॉड मास क्या कहता है? कि पहले डिवाइड सॉल्व करो। क्या करो? डिवाइड। तो डिवाइड किसके बीच में हमको दिख रहा है? इसके बीच में दिख रहा है, दिख रहा है ना, किसके बीच में? 25 / 5। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 को डिवाइड करो 25 से, तो आपको क्या आएगा बच्चों? आपको क्या आएगा? आपको 5 का जब 25 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपका 5 आएगा। अब बाकी का एक्सप्रेशन उतार दो, वैसे ही उतार दिया। अब हमारे पास डिवाइड वाला
जो साइन था खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या क्या है, मल्टीप्लाई है, प्लस है और माइनस है। अब किसको सॉल्व करेंगे, तो साइन प्रेफरेंस कहता है पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो। तो अब इसका मल्टीप्लाई किसके बीच में, 5 और 2 के बीच में, तो इनको सॉल्व कर दो, 5 2 10। और बाकी का एक्सप्रेशन वैसे ही होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास प्लस का साइन है और माइनस का साइन है। तो साइन प्रेफरेंस क्या कहता है, पहले प्लस सॉल्व करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लस सॉल्व करेंगे, तो प्लस किसके बीच में है, 10 और 5 के बीच में, सॉल्व कर दो 15, 15 माइनस 1। अब 15 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा 14, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है हमारा कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन साइन होता है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, साइन प्रेफरेंस मेथड, जिसको हम बॉड मास भी कहते हैं, ठीक है, बॉड मास, ठीक है। इसमें डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है प्लस यानी ऐड, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, हमारा अगला कॉन्सेप्ट है ब्रैकेट का, ये तो हमारा हो गया। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्रैकेट का, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ब्रैकेट का इस्तेमाल, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्रैकेट होते कौन कौन से हैं। देखिए आपके पास चार तरह के ब्रैकेट होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है बार ब्रैकेट, दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, तीसरा होता है कर्ली ब्रैकेट, और चौथा होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बार ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिग ब्रैकेट, या स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये चार तरह के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल हम क्या करने के लिए करते हैं, ग्रुप बनाने के लिए करते हैं। जैसे मुझे 3×4×5 करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि नहीं, दो नंबरों का ग्रुप बनाना पड़ेगा ना, तो उस ग्रुप को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने ये जाना है ब्रैकेट होते कौन कौन से हैं, फिर जाना है कि ब्रैकेट का इस्तेमाल कहाँ क्यों होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चों, आइए हम जानते हैं। हमेशा याद रखना कि जब भी आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है तो इसमें भी प्रेफरेंस मेथड इस्तेमाल होता है। क्या होता है, इसमें भी प्रेफरेंस मेथड इस्तेमाल होता है। प्रेफरेंस मेथड मतलब, जैसे आपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में सॉल्व करने के लिए पहले डिवाइड लिया, फिर मल्टीप्लाई लिया, फिर प्लस लिया, फिर एंड में सब्ट्रैक्शन लिया, उसी तरह ब्रैकेट में भी हम प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे, सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और सबसे एंड में हम किसको सॉल्व करेंगे, बड़े भैया यानी बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने यहां देखिए एक एक्सप्रेशन लिया है, 25 माइनस बिग ब्रैकेट 5 इंटू कर्ली ब्रैकेट 15 माइनस 2 स्मॉल ब्रैकेट 5 प्लस 2 माइनस 1 बार ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज किया, बिग कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, फिर एंड में बिग ब्रैकेट क्लोज किया। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले
हमेशा याद रखो कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, क्या होता है ब्रैकेट। अभी मैंने आपको बॉड मास बताया था ना, उसमें जो बी है उसका मतलब ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट को, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा ये ब्रैकेट्स हैं, बिग के अंदर करली, करली के अंदर स्मॉल, और स्मॉल के अंदर क्या है, बार ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर टू में से वन घटा दिया, कितना आया, वन आया, ठीक है। अब इसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में क्या है, फाइव प्लस टू, तो फाइव प्लस टू कितना हुआ, सिक्स। अब यहां ब्रैकेट और नंबर के बीच में कौन सा साइन है, इन टू का साइन है, वहां कोई साइन नहीं दिख रहा था, वो इन टू का साइन है, तो टू इन टू यहां सॉल्व करो, सिक्स हो गया, ठीक है। बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट तो खत्म हो गया, कर्ली ब्रैकेट लगाया, अब किसको सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारा बार ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, स्मॉल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया, हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने यहां पे सबसे, अब देखिए यहां पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर माइनस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो अब हम साइन प्रेफरेंस पे चले जाएंगे कि अब हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर माइनस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 15 में से हमने इसका मल्टीप्लाई किया, तो 6 12, उसके बाद 25 माइनस 5 इंटू, अब देखिए 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचा, 3 बचा। अब देखिए कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गया, अब क्या बचा लास्ट में, बिग ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 25 माइनस 5 थ्री जा 50 आया, ठीक है। अब सारे ब्रैकेट खत्म हो गए, अब सीधा एंड में क्या आया, 25 माइनस 15, तो आप 25 में से 15 घटा दीजिए, कितना आया, 10। तो इस तरह से जब आप इस एक्सप्रेशन को हल करेंगे सॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी भी अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन साइन हो, अर्थमेटिक साइन हो, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। दूसरा मेथड हमने सीखा, दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा ब्रैकेट वाला, कि जब ब्रैकेट क्या होता है, व्हाई वी नीड ब्रैकेट्स, एंड हाउ टू सॉल्व ब्रैकेट व्हेन एवर मोर देन वन ब्रैकेट्स इज फाउंड इन अवर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। जब किसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ब्रैकेट दिए हों तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो और हमेशा याद रखना कि जब भी एक्सप्रेशन दिया हो और ब्रैकेट दिया हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट को प्रेफरेंस देते हैं, बाद में अर्थमेटिकल साइन के को इम्पोर्टेंस देते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आई होप यू ऑल आर लर्न ऑल द थिंग्स वेरी वेल, एंड ट्राई टू सॉल्व योर एक्सरसाइज इन ओन ओन वे ऑन योर नोटबुक, एंड you come to school with the solution of your exercise. I will meet you soon in next video, in next topic. Thank you so much. I will meet in next video, in next topic. Thank you so much.